ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मेरे साथ हैं कुशल गुप्ता। सबसे पहले देख लेते हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत देखने को मिल रहे हैं। एसजेएक्स निफ्टी फिलहाल क्या रुझान दिखा रहा है? एसजेएक्स निफ्टी पर सबसे पहले नजर डालते हैं। यहां पर लगभग हरे निशान के साथ सुस्त कारोबार देखने को मिल रहा है। करीब करीब 10 अंकों की बढ़त आपको देखने को मिलेगी। 14,500 के पार था जब एसजेएक्स निफ्टी खुला था। अब अगर ऊपरी तरफ से देखें तो बहुत ही मामूली सा करेक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी एसजेएक्स निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो हरे निशान में देखने को मिल रहा है। बाकी के अन्य ग्लोबल संकेत मेरे मुताबिक तो सुस्ती है, लेकिन एक बात है जहां पर आपको फोकस करना होगा कि कोरोना के जो नए मामले रिपोर्ट हुए हैं उसमें से थोड़ी बहुत राहत आपको देखने को मिली है। खासतौर पर अगर आप देखें तो प्रमुख शहर मुंबई, यहां पर जो केसेज हैं काफी दिनों के बाद 4,000 के नीचे आए, लेकिन एक बात पर और गौर करना होगा कि जो टेस्टिंग है उसमें थोड़ी सी कमी आई है। 40,000 के मुकाबले सोमवार को करीब 28,000 टेस्टिंग हुई है, यानी टेस्टिंग कम होने के कारण जो है नतीजे जो आंकड़े आए हैं वो आपको थोड़े बहुत पॉजिटिव नजर आएंगे। लेकिन अन्य ग्लोबल संकेत कैसे हैं उसके ऊपर रुक कर लेते कुशल, कैसे नजर आ रहे हैं संकेत? बिल्कुल आशीष, तो ग्लोबल मूड माहौल जो है डाउ जोन्स के हिसाब से देखेंगे तो कमजोरी का रुझान वहां पर देखने को मिला था, पर दूसरी ओर अमेरिका में ही दो इंडिसेस ऐसे हैं जो रिकॉर्ड क्लोजिंग दिखाते हुए नजर आए, जिसमें S&P 500 और नैसडेक है। तो नतीजों की जो भारी लिस्ट है इस हफ्ते उस वजह से कहीं ना कहीं ये जो इंडिसेस है वो फोकस में आते हुए नजर आ रहे हैं और वहां पर अच्छी तेजी बन रही है। खासकर अगर आप देखें तो यूरोपियन मार्केट्स में भी ऑलमोस्ट 0.3-0.4% की बढ़त हमें देखने को मिली थी, और साथ ही एशियन मार्केट्स ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। और FIIs की आप देखिए लगातार बिकवाली देखने को मिल रही है, करीब 1100 करोड़ की बिकवाली जो है कल के सत्र में भी इन्होंने की थी। तो कहीं ना कहीं संकेत जो है वो ऑलमोस्ट जो है मिक्स सेट ऑफ नंबर्स लग रहे हैं। इनफैक्ट आगे के लिए अगर आप देखें तो जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है लार्जली, क्योंकि वापस से अब जो देश में कोविड के मामले जो है वो थोड़े से कम होते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर अगर आप महाराष्ट्र की बात करें तो 4,000 के नीचे, खास जो मुंबई है वहां पर 4,000 के नीचे मामले आते हुए नजर आए, तो वो एक थोड़ा सा पॉजिटिव संकेत या पॉजिटिव इंडिकेटर है वो हम समझ सकते हैं। पर कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो मार्केट में वॉलिटिलिटी जो है अभी भी जारी रहेगी और जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव साइड पर लग रहा है। पॉजिटिव है लेकिन वॉलिटिलिटी देखने को मिल सकती है। मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है, कॉशियसली ट्रेड करना होगा। और ग्लोबल संकेत भी अगर आप देखें तो ये खास निर्देश नहीं दे रहे हैं, हालांकि घरेलू बाजार में अगर आप देखें तो मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है। अच्छी बात यह कि जो कैश के स्टॉक्स हैं अब दोबारा इनमें एक मोमेंटम जारी होते हुए नजर आ रहा है। कुशल, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि कितने स्टॉक्स पर आज खरीदारी है, कितनों पर बिकवाली है? देखिए मूड माहौल जो है वो थोड़ा पॉजिटिव साइड पर ही लग रहा है मेरे को, तो मेरा जो इंक्लिनेशन है वो तो पॉजिटिव रहने में ही है, और इसी वजह से जो है मेरे सारे के सारे स्टॉक्स तो मैंने खरीदारी के ही चुने हैं। आपने आपके क्या रणनीति है आज के लिए आशीष? कुशल, सिर्फ एकमात्र स्टॉक ऐसा है जहां पर बिकवाली करनी होगी, बाकी सभी स्टॉक, और इनफैक्ट मेरा फोकस तो आज पूरी तरीके से कैश के स्टॉक्स पर है। मैं तो चाह रहा था कि जो हमारी एक कैटेगरी होती है ऑप्शन वो छोड़ दूं और उसकी जगह कोई और स्टॉक कैश का दे दूं, लेकिन फिर एक स्टॉक मुझे नजर आ गया जहां पर आप ऑप्शंस के जरिए भी रणनीति बना सकते हैं। अच्छा, एक और चीज खास बात मैं जानना चाहूंगा कि कोई ऐसा स्टॉक है जो आपने शॉर्टलिस्ट किया था लेकिन उसे नहीं लिया आज अपनी लिस्ट में? नहीं आशीष, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है आज के सत्र में, और खबरें भी वैसे कम है पर्टिकुलरली, पर मूड माहौल जो है वो कुछ एक सेक्टर स्पेसिफिक थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पर लग रहा है, तो उसके बेसिस पे लिया है हमने स्टॉक, और साथ ही जो खबरों जो नतीजे आते हुए दिखे हैं उससे थोड़ी सी पॉजिटिविटी जो है बनती हुई नजर आ रही है, खासकर जैसे कि आप बता रहे हैं कैश स्पेस में। अच्छा चलिए मैं बता देता हूँ कि मैंने एक स्टॉक छोड़ा है वोकहार्ट, अगर दिन के दौरान वो चल गया तो मुझे काफ़ी रिग्रेट होगा। शुरुआत कर लेते हैं आज की लिस्ट के साथ, और पहली कैटेगरी होती है हमारी कैश का स्टॉक, और यहाँ पर काफ़ी दिनों के बाद ये स्टॉक मैंने चुना है एगार्सी मोटर्स। इस स्टॉक में आपको खरीदारी करनी चाहिए, कल के सत्र में भी अगर आप देखें तो बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ इस स्टॉक में खरीदारी देखने को मिली थी, और जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है ना मैं मान रहा हूँ कि कुछ दिनों के अंदर यहाँ पर एक बढ़िया उछाल आपको देखने को मिल सकता है। स्टॉक की खासियत ये कि ज़्यादातर लाइमलाइट में आता नहीं, लेकिन जिस दिन भी चलेगा अच्छे गेंस यहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो 355 रुपए के लक्ष्य के लिए आप एगार्सी मोटर्स में खरीदारी कर सकते हैं, हो सकता है कि दिन के दौरान ही लक्ष्य आपको हासिल होते नजर आए। स्टॉप लॉस जरूर लगाना है 327 रुपए का। कुशल, कैश का स्टॉक आपने कौन सा चुना है?
बिल्कुल आशीष, और कैश का स्टॉक मैंने जो चुना है वो है जीएम फाइनेंशियल का। आप देखिए जिस तरह से यहाँ पर पॉजिटिव फंड एक्शन होता हुआ दिखा है, जिसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने करीब करीब 1 करोड़ शेयरों की खरीदारी की है। इक्विटी के लिहाज से देखेंगे तो करीब 1% की हिस्सेदारी ये होती है, और इनकी जो अब एग्जिस्टिंग हिस्सेदारी है वो 6% के पार होती हुई दिखी है। पिछली बार जो है 4.94% का स्टेक इनका था। तो जीएम फाइनेंशियल पर फोकस रखिए, यहाँ पर अच्छी तेजी इस पॉजिटिव फंड एक्शन की वजह से बनती हुई नजर आ सकती है, और इसीलिए ये मेरी सूची में पहला कॉल है आज का। तो 83 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए, 78.5 का आपको स्टिक स्टॉप लॉस लगाना होगा। और वैसे भी अगर आप कल के सत्र में बात करें तो बहुत ज्यादा तेजी या मंदी इस स्टॉक में देखने को नहीं मिली थी, तो ऑलमोस्ट फ्लैट सी जो है इसको क्लोजिंग मिली थी, पर ये जो पॉजिटिव ट्रिगर बना है इसके लिए वो आज अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक में लाता हुआ दिख सकता है। और ये तो हो गई कैश की बात आशीष, लेकिन अब जो अगली कैटेगरी हमारी वो है आज का फ्यूचर्स की, और यहाँ पर जो स्टॉक मैंने चुना है वो है ऑटो स्पेस से और खासकर कमर्शियल व्हीकल स्पेस से, वो है अशोक लेलैंड का। चार्ट स्ट्रक्चर बेहद मजबूत लग रहा था, कल के सत्र में भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट दिन के हाई पॉइंट पर ये जाकर बंद होता हुआ नजर आया था, और करीब करीब कहीं ना कहीं जो मोमेंटम है वो यहाँ पर वापस से लौटता हुआ नजर आ रहा है इस स्पेसिफिक स्टॉक की, अगर मैं बात करूँ एंटायर ऑटो स्पेस में। तो अशोक लेलैंड यहाँ पर खरीदारी कीजिए 117 रुपए के टारगेट के लिए, 112 रुपए 50 पैसे का आपको यहाँ पर स्टिक स्टॉप लॉस लगाना होगा। आशीष आपने क्या चुना है आज का फ्यूचर्स में? देखिए फ्यूचर्स कैटेगरी में मैं बिकवाली करना चाहता हूँ, और एक स्टॉक ही है जो मेरी लिस्ट में जहाँ पर मैं बिकवाली कर रहा हूँ, कोटक महिंद्रा बैंक। सभी जानते हैं कि आज जो एक खबर आती हुई दिखी है कंपनीज के लिए, माफ कीजिएगा बैंकों के लिए, कि आरबीआई ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी जो है एमडी या सीईओ 15 साल से ज़्यादा पद पर नहीं रह सकता। और उसके बाद हमने देखा कि मैक्वायरी का भी एक नोट आया जिसमें कहा गया कि कोटक महिंद्रा बैंक क्योंकि लंबे समय से एक ओवरहैंग था, तो खबर ऐसी है कि इनके लिए नेगेटिव है। और देखिए कल क्या हुआ था कि आईसीआईसीआई बैंक के नतीजों के चलते काफ़ी सारे बैंक जो कि कमज़ोर हैं उनमें भी हल्की फुल्की खरीदारी देखने को मिली थी, यानी कल के जो तेज़ी की पोजीशंस बनी है ना आज वो थोड़ा सा पैनिक करते हुए नजर आएंगे, उनके लिए फिर एक और ज़्यादा बड़ा ट्रिगर होगा। कोटक महिंद्रा बैंक में एक ब्रेकडाउन भी दिन के दौरान देखने को मिल सकता है, हालांकि क्योंकि देखिए खबर नो ब्रेनर है सभी जानते हैं, तो हो सकता है कि काफ़ी सारे ट्रेडर्स जो हैं शुरुआत में इस पर रश करते हुए नजर आएँ, तो यानी ज़्यादा गैप डाउन अगर आपको ओपनिंग देखें तो छोड़ दीजिए। एक्शनेबल ट्रेडिंग आइडियाज़ हम आपको काफ़ी सारे शेयर करते हैं आपके साथ, तो कोटक महिंद्रा बैंक इस स्टॉक को मैंने चुना है क्योंकि खबर नेगेटिव है, यहाँ पे इसके लिए आप बिकवाली करके चल सकते हैं। 1718 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन लीजिए, 1770 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए जो अगली कैटेगरी है वो है बेस्ट ऑप्शन, और यहाँ पर देखिए मैंने खरीदारी वाला स्टॉक चुना है काफ़ी दिनों के बाद। वैसे इस स्टॉक की खासियत यह है कि ये स्टॉक ज़्यादा चलता नहीं है बहुत ही, लेकिन इसका अच्छी बात यह भी है कि इसका डेल्टा कम है, यानी अगर बाजार में गिरावट भी आएगी तो कम गिरेगा, ये स्टॉक थोड़ा सेफ बेट हो सकता है। और क्योंकि एक्सपायरी का हफ्ता है, मंथली एक्सपायरी का, तो यानी जो ऑप्शंस हैं वो भी आपको बहुत सस्ते मिल रहे हैं। मैंने स्टॉक चुना है एलएनटी का, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। दरअसल अगर आप चार्ट देखेंगे खासतौर पर डेली चार्ट, तो आपको नजर आएगा कि स्टॉक में एक तरफा तेजी देखी गई थी, फिर स्टॉक ने हाई बनाया, वहां से एक शॉर्ट टर्म करेक्शन देखने को मिला था। अब शॉर्ट टर्म करेक्शन के बाद निश्चित तौर पर अगर आप देखें तो स्टॉक ने एक बेस बना लिया, और मैं मान रहा हूँ कि इस बेस को ये स्टॉक तोड़ेगा नहीं। और कल के सत्र में अगर आप वैसे भी देखेंगे तो थोड़ी बहुत खरीदारी भी स्टॉक में देखने को मिली थी। आज अगर बाजार का मूड माहौल है वो पॉजिटिव रहता है तो एलएनटी तेजी दिखा सकता है। 1340 रुपए का जो कॉल ऑप्शन है लगभग इसी के आसपास की क्लोजिंग है, एट द मनी रहेंगे क्योंकि डेल्टा ज़्यादा होता है तो इंट्राडे में बढ़िया बेनिफिट होगा। 1340 का जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आप खरीदेंगे करीब 18 रुपए के लक्ष्य के लिए, करीब मैं मान रहा हूँ आज 1360 की कल की क्लोजिंग है, तो 11.5-12 रुपए के आसपास ये आपको मिलना चाहिए ऑप्शन, और यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है 7 रुपए का। यानी रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से भी अगर आप देखेंगे तो एलएनटी 1340 का जो कॉल ऑप्शन है ये एक बढ़िया ट्रेड बन रहा है। कुशल आपने कौन सा स्टॉक चुना है? ऑप्शन कैटेगरी में मैंने चुना है रियल एस्टेट स्पेस से डीएलएफ को। आप देखिए कल के सत्र में जो रियल एस्टेट इंडेक्स में तेजी बनी थी वो काफ़ी शानदार रही थी, खासकर गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो करीब 4% की तेजी इस स्टॉक ने दिखाई थी। हालांकि डीएलएफ ऑप्शन में मैंने इसलिए भी चुना है क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से कोविड के मामले बढ़ते हुए नजर आए हैं और जो लॉकडाउन एक्सटेंड किया गया है उस वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट जो है इस स्टॉक पर सेंटिमेंटली ख़राब हो सकता है, पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये खबरें भी फैक्टर इन है और
जो मोमेंटम है तेजी का रियल्टी स्पेस में वो जारी रहेगा। और कल के सत्र में जो बाकी स्टॉक्स में अपमूव देखने को मिला है वो इस स्टॉक में भी आज के सत्र में आता हुआ नजर आ सकता है बाजार की तेजी के मोमेंटम में। तो DLF है, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए और यहाँ पर फ्यूचर्स में नहीं, आपको ऑप्शंस में खरीदारी करनी है। और जो इसका कॉल ऑप्शन है 245 रुपए का, और अभी इसी महीने की सीरीज का मैं आपको कॉल ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑब्वियसली जिसकी प्राइसिंग जो है काफी कम रहेगी अब, हालांकि क्योंकि टाइम वैल्यू अब नहीं है, तो 5 रुपए के जो प्राइसिंग है वो अभी आपको इस पे खरीद कर चलना है। 15 रुपए के लक्ष्य के लिए 3 रुपए का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो ये है ऑप्शन कैटेगरी में DLF मेरी तरफ से। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी तरफ जो है टेक्नोपिक। और टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर जैसा कि आशीष बता रहे थे कि मूड माहौल जो है L&T जैसे स्टॉक्स यानी कि जो कैपिटल गुड स्पेस में कंपनियां हैं वो काफ़ी अच्छी लग रही हैं। वापस से जो है यहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो रिजम्पशन देखने को मिल रहा है उससे कहीं ना कहीं यहां पर अच्छा मोमेंटम आता हुआ नजर आ सकता है। पर जैसा कि कैटेगरी कहती है कि टेक्नोपिक है, तो टेक्निकल चार्ट्स पर यहां पर बहुत स्ट्रांग मोमेंटम जो है कल के सत्र में कमेंट्स में बनता हुआ नजर आया था, और इसीलिए मैं ये स्टॉक अपनी सूची में इस कैटेगरी में शामिल कर रहा हूं। तो कमेंट्स में खरीदारी कीजिए 900 रुपए के टारगेट के लिए, 864 रुपए का आपको यहां पर भी जो स्टॉप लॉस का जो वैल्यू है वो मेंटेन करना होगा। आशीष आपने क्या चुना है इस कैटेगरी में? देखिए कैश का स्टॉक है M6, यहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। चार्ट फिलहाल मैं अपने सामने देख रहा हूं, स्टॉक में अगर आप देखें तो एक लंबे समय का एक कंसोलिडेशन देखा गया था, डिसेंडिंग ट्रायंगल सॉर्ट ऑफ अगर आप देखें तो एक फॉर्मेशन बना था। अब लेकिन स्टॉक अगर आप देखें तो ऐसे संकेत दे रहा है कि जो करेक्शन है वो पूरा हो चुका है, और एक निचले स्तर पर अगर आप देखें तो 1445 के आसपास स्टॉक ने बढ़िया बेस बना लिया है। मैं मान रहा हूं कि यहां से एक अपमूव भी देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर है पूरी तरीके से डेली चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे तो डबल बॉटम का नहीं है, लेकिन समवॉट सिमिलर है, और मैं मान रहा हूं कि इसको ट्रेड करने का जो तरीका है वो भी सिमिलर होगा। तो यहाँ पर जो पैटर्न की हाइट है इसके लिहाज से अगर आप देखेंगे तो MCX में मान लो कि 1530 रुपये तक जाने का दमखम रखता है। स्टॉप लॉस आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा, 1464 रुपये का स्टॉप लॉस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो रिस्क एंड रिवॉर्ड, क्योंकि इसके ऊपर मैं बहुत फोकस करता हूं कि जब हमारा ट्रेड गलत जाए तो हमें कम नुकसान हो, और लेकिन अगर हमारे फेवर में जाए तो फ़ायदा ज़्यादा हो। अगर ये रणनीति बनाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं अगर आप देखें जो नेट गेंस हैं वो बढ़िया होते नजर आएंगे। तो टेक्निकली MCX कैश का स्टॉक ये मेरे रडार पर है, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। चलिए जो अगली कैटेगरी है उसकी ओर रुक करते हैं, वो है फंडा पिक। और यहाँ पर देखिए फार्मा कंपनी मैंने चुनी है स्मॉल कैप स्पेस से, यूनिकेम लैब्स, इस स्टॉक में आपको खरीदारी करनी चाहिए। 3 तिमाहियों से कुशल इस स्टॉक को मैं क्लोजली वॉच कर रहा हूँ, और इनके जो नतीजे हैं बहुत ही टर्न अराउंड देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले अगर आप इनके जो प्रीवियस फाइनेंशियल्स देखेंगे तो आपको कंपनी में बिल्कुल भी दम नजर नहीं आएगा, लेकिन पिछले 3 फाइनेंशियल्स में अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि एक स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड, एक रीबाउंड देखा जा रहा है कंपनी के कारोबार में, और जिस प्रकार के कंपनी नतीजे पोस्ट करती है उसके बाद हम देखते हैं कि स्टॉक में तेजी आती है। तो क्यों ना, अगर एंटिसिपेशन हमारा ये है और चार्ट पैटर्न्स इंडिकेट यही कर रहे हैं कि नतीजे बढ़िया आ रहे हैं तो अभी से पोजीशंस क्यों ना बनाई जाए। जब ज़्यादा गैप अप ओपनिंग हो जाएगी तब खरीदने की हिम्मत नहीं होगी। यहाँ पर यूनिकेम लैब्स इस स्टॉक को मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर आपको अपने रडार पर रखना चाहिए। करीब करीब एक महीने का समय देंगे तो मैं मान रहा हूँ कि 12-15% तक के रिटर्न्स इस स्टॉक में आपको देखने को मिल सकती है। यूनिकेम लैब्स फिलहाल अगर आप देखेंगे तो 347-348 के आसपास मिल रहा है, 400 रुपये मेरा प्राथमिक लक्ष्य है, और अगर 400 पार कर गया तो कहीं ना कहीं एक कप एंड हैंडल पैटर्न है ना वो ट्रिगर हो जाएगा, तो तेजी और देखने को मिलेगी। लेकिन केवल नतीजों को ध्यान में रखते हुए यूनिकेम लैब्स इस स्टॉक में आपको खरीदारी करनी चाहिए। बिल्कुल आशीष, तो चलिए फंडामेंटली मुझे स्टॉक FMCG काउंटर से पसंद आ रहा है, और वो है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का। आप देखिए बेहतरीन जो है इनके फंडामेंटल्स हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी लोगों की होल्डिंग हो रही है खासकर FMCG जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं इसको लेकर, वो काफ़ी बड़े फोकस में आते हुए नज़र आ रहे हैं। इनका जो ब्रांड है टाटा संपन्न ब्रांड, कल मैं अमेजोन पे जो है ग्रोसरीज वगैरह ऑर्डर कर रहा था घर के लिए, तो वहाँ पर मुझे ये देखने को मिला कि जो वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली परचेज्ड ब्रांड्स है वो टाटा संपन्न की ब्रांड्स है, जो भी दाल्स एंड पल्सेज इनकी है वहाँ पर काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है ई कॉमर्स चैनल्स पर, और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि जो स्टोरी है फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, और अगले एक साल में यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। करीब 20% तक के रिटर्न आपको आते हुए दिख सकते हैं, और यहाँ पर 800 रुपये का लक्ष्य ये हासिल करता हुआ नजर आ सकता है। तो फंडामेंटली टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर आपको नजर रखनी है, लंबी अवधि के लिए आप इसमें निवेश कर सकते हैं।
इसके अलावा चलिए बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी की तरफ जो है इन्वेस्टर्स प्रॉफिट लीग। देखिए आईपीएल का माहौल भी है पर कहीं ना कहीं देश में जो कोविड के मामले इतने ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे थे पिछले 2-3 दिनों से, तो आशीष मैं एकदम भी इस पर ध्यान नहीं दे पाया था। हालांकि अब थोड़े से जब रिड्यूस हुए तो मुझे लग रहा है कि यहां पर वापस से फोकस करना चाहिए। पर जो स्टॉक है हमारा आईपीएल इन्वेस्टर्स प्रॉफिट लीग में वो है सीमेंस का। आप देखिए कैपिटल गुड स्पेस में मैंने आपको कमेंट्स तो पहले से ही बताया है पर यहां पर भी काफी बेहतरीन मजबूती आपको देखने को मिल सकती है। देखिए फॉरेन जो है इसकी पेरेंटेज है और यहां पर कंपनी का अगर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखें तो उस चीज को लेकर भी कोई प्रॉब्लम नहीं रही है और कंपनी का जो स्ट्रक्चर है और जिस तरह की इनका कारोबार है वो काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर रहा है देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने से। तो यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन जो है आपको तेज़ी आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। आप देख ही रहे हैं कि एलएनटी को किस तरह से हर 2-4 दिनों में जो है एक बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो खबरों में लगातार कैपिटल गुड स्पेस बना हुआ है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी लंबी अवधि के लिए आप निवेशित रह सकते हैं। 2080 यानी कि ऑलमोस्ट करीब करीब 2100 रुपये के टारगेट जो है आपको एक स्टॉक में भी देखने को मिल सकते हैं अगले 12 महीनों में। आशीष आपने क्या चुना है? स्टॉक यानी निवेश के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो मुझे कंपनी कंज्यूमर बिजनेस से रिलेटेड है वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट। इस स्टॉक को काफ़ी बार मैंने आपको बताया यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। हालांकि अगर आप देखें तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक थोड़ा सा आपको निराश करता है लेकिन इसका बिजनेस देखिए, बिजनेस कितना शानदार है, जिस तरीके से कंपनी की पकड़ है, एक एक्सपांशन पूरे भारत में देखने को मिल रहा है। प्रमुख शहरों में अगर आप देखें, वैसे वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट जो है कंपनी का कारोबार मैं आपको बता दूँ कि वेस्टर्न और सदर्न इंडिया में जो है मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी होल्ड करते हैं और वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एक्सपांशन देखा जा रहा है। देखिए इन्होंने जो है अपने कॉफ़ी सेगमेंट में भी विस्तार किया था और उसका फ़ायदा ये होता है कि कॉफ़ी में जो मार्जिन्स हैं वो बहुत बढ़िया देखने को मिलते हैं। उन्होंने जो नए कियोस्क और टेक अवेज की शुरुआत की थी उससे वॉल्यूम्स में भी एक इजाफा देखने को मिला था और वेस्टलाइफ डेवलपमेंट की खास बात यह है कि इनके जो बिजनेस है वो पूरी तरीके से डिलीवरी पर भी निर्भर हो सकता है, उससे भी चल सकता है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें जब देश भर में हर राज्य में कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं रेस्टोरेंट्स के ऊपर, ऐसे में उन फोकस करना है बिजनेसेस पर जहां पर जो डिलीवरी के जरिए जो बिजनेस होता है वहां पर ज़्यादा असर नहीं देखने को मिलता है। तो वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट फंडामेंटली टेक्निकली हर लिहाज से अगर आप देखें तो कंपनी का कारोबार मुझे बहुत पसंद आता है। इस स्टॉक को आप अपनी फोकस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं और मैं मान रहा हूँ कि अगर 1 साल का समय देंगे जो कि प्रीवियस हाई है वहां तक ये स्टॉक जा सकते हैं, यानी करीब करीब 421-422 के आसपास जो है इस स्टॉक में आप फिलहाल ट्रेड देख रहे हैं। मैं मान लो 535 तक जाने का क्षमता रखता है वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट। इस स्टॉक में आपको खरीदारी करनी चाहिए, शानदार बिजनेस है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं अगली कैटेगरी है खबरों के दम पर जहां पर आपको ट्रेड करना चाहिए और यहां पर मैंने नतीजे वाला स्टॉक चुना है डेल्टा कॉर्प। इसके नतीजे देखिए, सबसे पहले अगर आप कंपनी के नतीजे देखें तो मुनाफा 2 गुना बढ़ा है, 29 करोड़ से बढ़कर कंपनी ने मुनाफा जो पेश किया है 98 करोड़ है। मार्जिन्स में देखिए शानदार बढ़त देखने को मिली, कामकाजी मुनाफा 68% बढ़ा है लेकिन जो आय है उसमें थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिली। अच्छी बात यह कि जो गेमिंग ऑपरेशंस हैं यहाँ से एक बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन एक थोड़ी सी चिंता की बात यह भी है कि जो राकेश झुंझुनवाला जी हैं उन्होंने डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अब देखना होगा कि बाजार किस खबर को ज़्यादा वेट देता है, या तो अच्छे नतीजों पर स्टॉक में उछाल देखने को मिलता है या फिर रिजिग्नेशन की खबरों पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है। लेकिन जो चार्ट पैटर्न्स हैं वो यही सजेस्ट कर रहे हैं कि स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है। तो डेल्टा कॉर्प स्टॉक पर मैं फोकस कर रहा हूँ। वैसे भी अगर आप देखें तो गेमिंग कारोबार में आय बढ़ना ये अपने आप में काफ़ी बढ़िया चीज़ है, जिसके चलते मैं मान रहा हूँ कि बाजार इसको और बेहतरीन वैल्यूएशन देगा। 168 रुपये के लक्ष्य के लिए इंट्राडे पोजीशन बनाएंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे 160 रुपये का, स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखिएगा। कुशल आपने कौन सा स्टॉक चुना है? मैंने भी नतीजों के लिहाज से चुना है और ऑटो स्पेस से शेफलर इंडिया, यहाँ पर इस स्टॉक को खरीदारी करने की राय है। आप देखिए पोस्ट मार्केट इसके नंबर्स आते हुए नजर आए थे और शानदार उछाल मुनाफे में आता हुआ नजर आया, 78% बढ़कर करीब 140 करोड़ पर और साथ ही कंपनी की आय में भी 42% के उछाल के साथ 1317 करोड़ पर इनकी आय इन्होंने रिपोर्ट की है। मार्जिन करीब 17.3% पर आए हैं और कंपनी ने प्राइमरी और आफ्टर मार्केट दोनों ही स्पीसीज में जो है बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो ओवरऑल हर पैरामीटर पर नंबर्स जो है मेरे को बेहतर साइड पर लग रहे हैं और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कल की जो तेजी का मोमेंटम बना था, कल 11 बजे के बाद जो कल का ट्रेडिंग सत्र था वो मोमेंटम जो है आज भी जारी रह सकता है। और इसी लिहाज से शेफलर इंडिया इसमें खरीदारी कीजिए, थोड़ा हाई प्राइस स्टॉक है पर आपको परसेंटेज गेंस इसमें देखने हैं, तो करीब 3-4% के गेंस के लिए और फर्दर आप इसमें प्ले कर सकते हैं। जिस तरह से नतीजे आते हुए दिखे हैं 5350 रुपये के लक्ष्य के लिए 5110 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है।
तो खबरों के दम पर आशीष मेरी तरफ से है शेफलर इंडिया। चलिए अब आखिरी कैटेगरी की ओर रुख करते हैं, वो है माई चॉइस। और यहाँ पर मैंने पहला स्टॉक चुना है खरीदारी वाला। रीसेंट लिस्टिंग है, डेटा बहुत लिमिटेड है, लेकिन डेटा जितना भी है मुझे लग रहा है कि स्टॉक में क्षमता है कि दोबारा अपने जो हाइज हैं इससे रिक्लेम करता हुआ नजर आएगा। हाल ही की लिस्टिंग है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, फंडामेंटली तो बेहतरीन कंपनी है और मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर एक थोड़ा सा पोजिशनल व्यू भी बनाकर चल सकते हैं। 191 के आसपास की क्लोजिंग है, 2 से 3 दिनों का समय देंगे तो स्टॉक मुझे लग रहा है 200 के पार जाएगा। वैसे इसका हाई अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 209 रुपये के आसपास आता है, तो वहाँ तक भी जाने की क्षमता है स्टॉक के अंदर। लेकिन स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखिए क्योंकि एक तरफा मूवमेंट आया कल के सत्र में, अगर आप देखें तो 6.5% ये स्टॉक चला था, तो 187 का स्टॉप लॉस लगाकर आप इस स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में केमिकल स्पेस से ही कंपनी गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स। इस स्टॉक का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो शानदार है, लगातार तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है और फिलहाल जिस प्रकार का जो स्ट्रक्चर चार्ट पर देखने को मिल रहा है मैं मान रहा हूं कि दिन के दौरान भी तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि 1.5% 2% इससे ज्यादा चलने की स्टॉक में उम्मीद नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इतना चल चुका है, लेकिन मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव है। यहां पर खरीदारी करनी चाहिए 2700 रुपए के लक्ष्य लिए, स्टॉप लॉस लगाना आपको 2650 रुपए का। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में किर्लोस्कर फेरिस। इस स्टॉक को भी आप अपने रडार पर रखें, फेरिस स्पेस की जितनी भी कंपनीज है नतीजे शानदार पेश कर रही है और किर्लोस्कर फेरिस में मान रहा हूं कारोबार बेहद मजबूत है, स्ट्रांग है। यहां पर मैं मान रहा हूं कि अच्छी तेजी दिन के दौरान आपको देखने को मिल सकती है और जिस प्रकार का चार्ट का स्ट्रक्चर है फिलहाल अगर आप देखेंगे तो 195-196 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। किर्लोस्कर ब्रदर्स नहीं, किर्लोस्कर फेरिस है स्टॉक का नाम। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए, करीब 196 के आसपास की क्लोजिंग है, 203 रुपए के लक्ष्य लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी कीजिए और 191 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बिल्कुल, तो चलिए मेरी तरफ से माई चॉइस कैटेगरी में पहला कॉल है ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का। आप देखिए 29 तारीख यानी कि परसों इसके नंबर्स आने वाले हैं और जिस तरह से हमने देखा कि कैसे 5 पैसे कैपिटल और साथ ही आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के नंबर आते हुए दिखे हैं, यहाँ पर भी काफ़ी जोरदार क्लाइंट एडिशन आपको देखने को मिला है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इस वजह से अच्छी तेजी बन सकती है। 618 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए, 592 रुपये का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। साथ ही इन्फोसिस यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से आईटी काउंटर्स प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, मुझे लग रहा है कि आज इस स्टॉक में रिवर्सल देखने को मिल सकता है इतने दिनों की गिरावट के बाद। 1385 के लक्ष्य के लिए खरीदारी, 1327 का स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। मुझे लग रहा है जिस तरह से प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में थोड़ा सा तेजी का जो मोमेंटम बना हुआ है उसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है आज लीड लेता हुआ नजर आ सकता है। चार्ट स्ट्रक्चर वैसे भी बेहद मजबूत कल के सत्र में बनता हुआ नजर आया, तो मुझे लग रहा है कि 54 रुपए के टारगेट के लिए यहां पर आप खरीदारी करके चलिए, 51 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। तो चलिए 20 स्टॉक्स की जो लिस्ट है वो तो पूरी होगी, अब जल्दी ही से रिकैप देख लेते हैं। कैश का स्टॉक मैंने चुना है गार्सी मोटर्स, जहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। कोटक महिंद्रा बैंक के फ्यूचर्स में बिकवाली करेंगे, एलएनटी में तेजी देखने को मिल सकती है, यहां पर कॉल ऑप्शन खरीदकर आप तेजी की पोजीशन बनाएंगे। एमसीएक्स पर ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, फंडामेंटली बेहतर कंपनी यूनिकम लैब्स, यहां पर आप खरीदारी करेंगे निवेश के लिहाज से। वेस्टलाइफ डेवलपमेंट आपको अपने रडार पर रखना चाहिए, डेल्टा कॉप नतीजे शानदार हैं जिसका एक असर देखने को मिलेगा। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में मान रहा हूं कि दोबारा अपने लाइफ हाइज को रिक्लेम करता हुआ नजर आएगा, 203 रुपए के लक्ष्य लिए खरीदारी करेंगे। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट स्ट्रक्चर बढ़िया है, 2700 रुपए के लक्ष्य लिए खरीदारी करेंगे। किर्लोस्कर फेरिस पर भी आपको नजर रखनी चाहिए, 203 रुपए के लक्ष्य लिए आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। और इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है निवेश के लिहाज से वेस्टलाइफ डेवलपमेंट पर। मैं मान रहा हूं कि अगर आप इस स्टॉक को 1 साल का समय देंगे तो बहुत जल्द 535 के पार ले जाएगा। कैश स्पेस से जीएम फाइनेंशियल खरीदारी करिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने हिस्सेदारी बढ़ाई है, साथ ही अशोक लेलैंड चार्ट स्ट्रक्चर मजबूत लग रहा है। ऑप्शन कैटेगरी में डीएलएफ खरीद कर चल सकते हैं, अच्छे गेन्स देखने को मिल सकते हैं। साथ ही टेक्निकली कमिंस इंडिया जो है वो काफी बेहतरीन काउंटर लग रहा है। फंडामेंटली टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और निवेश के लिहाज से आपको जो स्टॉक चुनना है वो है सीमेंस का। कैपिटल गुड स्पेस काफी बेहतरीन लग रहा है, खबरों के दम पर जो नतीजे आए हैं शेफलर इंडिया में वो काफी बढ़िया है, तो यहाँ पर खरीदारी कीजिए। और माई चॉइस कैटेगरी में 3 स्टॉक्स खरीदारी के हैं जिसमें मोतीलाल ओसवाल, इंफोसिस और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शामिल है। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक है वो है कैपिटल गुड स्पेस की कंपनी सीमेंस को, यहां पर खरीदारी कीजिए, आपको 2000 के पार जो है ये स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है अगले 1 साल में।